हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर कॉस्मोलॉजी को और को नंबर के लिए आ चुके पार्ट टू हो। यो क्वेश्चन में हमें कॉस्मोलॉजी चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, मेन हबल्स लॉ बुझे भने हमें पुग्छ। अनि हमें हबल्स लॉ को फर्मुला के छ, वी इक्वल्स टू एच आर। यो यति कुरा बुझेपछि हमें पुग्छ हैन। अब यहाँ हेरौं के हुन सक्यो। इफ द रिसेसन स्पीड अफ द गैलेक्सी एट अ डिस्टेंस, के भन्छ कि डी आई एस टी ए एन सी ई डिस्टेंस, आर वन इक्वल टू कति दिएको छ, यहाँ दुईवटा आयो हैन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज लाइट इयर्स इज कति छ 648 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिसेसन स्पीड अफ द 500 × 10⁶ लाइट इयर टेकिंग द सेम हबल कन्स्टेंट। अनि डिस्टेंस आर वन कति दिएको छ, 400 × 10⁶ एल आई जी एस टी लाइट वाई ई ए लाइट इयर, लाइट इयर दिएछ। अनि हामीलाई थाहै छ कि वन लाइट वाई इयर, वन लाइट इयर कसको कति हुन्छ, 9.46 × 10⁵ हुन्छ है। अब यो कसरी हुन्छ तपाईँलाई कसरी हुन्छ म भन्दा, हामीले के हुन्छ भेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। अनि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि भेलोसिटी इन्टु टाइम। अब यहाँ के हुन्छ कि लाइट इयर भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ लाइट हालिदिने 10⁸। अनि टाइम लाइट इयर भनिरहेको छ कि इयरमा कति हुन्छ, 365 डेज हुन्छ, र वान डेजमा कति सेकेन्ड हुन्छ, 86400 सेकेन्ड हुन्छ, र वान इयर भन्दाखेरि के 365, विच विल गिभ अस 9.46 × 10⁵ मिटर। यो हामीले याद राख्नुपर्ने, हामीले याद राख्नु याद छ भने ठिक छ, न त यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ है। भन्दाखेरि कति हो यो, 400 × 10⁶ × 9.46 × 10⁵ है, 400 लाइट इयरको 9.4 यति आयो हामीलाई मिटर। अनि के छ कि रिसेसन स्पिड RECESSION रिसेसन स्पिड स्पिड V1 कस्ट कति दिएको छ, 6080 किलोमिटर पर सेकेन्ड। भन्दाखेरि कति भयो, 64800 × 10³ मिटर पर सेकेन्ड भयो होइन। वाट इज द रिसेसन स्पिड एट यति, फेरि भन्छ क्या टेकिङ द लाइट इयर भन्दाखेरि के डिस्टान्स, अर्को डिस्टान्स दिएछ, अर्को डिस्टान्स आर टू कति दिएको छ, 500 × 10⁶ लाइट इयर दिएको छ। भन्दाखेरि 500 × 10⁶ लाइट इयर भन्दाखेरि कति भयो, 9.46 × 10⁵ मिटर। अनि RECESSION रिसेसन स्पिड V2 इक्वल्स टू व्हाट, मैले यसलाई लेखिदिउँ कि केस फर्स्ट थियो अनि केस सेकेन्ड होइन। यति कुरा भइसक्यो हामीलाई। अनि विनो हामीलाई के छ, भी इक्वल्स टू एचआर, देयरफोर V1 इक्वल्स टू एच हबल कन्स्टान्ट कन्स्टान्ट हुन्छ R1 इक्वेसन 1, V2 इक्वल्स टू के हुन्छ, एच R2 इक्वेसन 2, DIVIDING डिभाइडिङ EQUATION डिभाइडिङ इक्वेसन, हामीले 1/2 गर्दा पनि पायो, 2/1 गर्दा पनि पायो। भन्दाखेरि के डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गरिदिउँ, 1/2 जुन गर्दा पनि हुन्छ, हामीले त्यो गर्नु पऱ्यो। भन्दाखेरि के V1/V2 इक्वल्स टू एच R1/HR2, एचएच काट्यो, V1 भन्दाखेरि कति छ हामीले भेलोसिटी 6480 × 10⁻¹० कति दिएछ हामीलाई, 3, अनि V2 निकाल्नु छ। अनि R1 भन्दाखेरि कति छ हामीलाई, 400 × 10⁶ × 9.46 × 10⁵ 15 × 500 × 10⁶ × 9.46 × 10⁵ 15 हेर्नुहोस्, 10⁶ यतिले काट्यो, यसलाई पुरा काटले काट्यो, अनि यो जिरोले जिरो यता काट्यो। भन्दाखेरि के 6480 × 10⁵³ × 5/4 इक्वल्स टू V2। अब हामी यसलाई क्यालकुलेटर हाल दिउँ, 6480 × 10⁴³ × 5/4 इक्वल्स टू कति आयो हामीलाई, देयरफोर V2 इक्वल्स टू कति आयो, 8.1 × 10⁴ भन्दाखेरि के 8.1 × 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड। देयरफोर द RECESSION रिसेसन स्पिड अफ हबल, सरी रिसेसन स्पिड इज कति हुन्छ, 8.1 × 10⁶ मिटर पर
सेकेंड ये भाई हमें यह न्यूमेरिकल सको अभी हमें यह चैप्टर में न्यूमेरिकल इजी नहीं हो खाली हमें के बुझ्पे कि हब सब बुझ्पे अभी तैंट कसरी यूज करें तो बुझ्न पे आई हो तैयार न्यूमेरिकल राम लगे कल राम लगे लाइक एंड कमेंट कर जानू होगा तैयार कोई क्वेश्चन है मैं सोने ल ट्राई करूँ तब रिप्लाई करना ये भाई आज को लगे न्यूमेरिकल में ये नहीं अर्क भिडियो में अर्क न्यूमेरिकल लेकर आने तब बाय बाय।